मैं अनुराग शर्मा सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड से एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ हमारे एक नए वीडियो में, नए गांव से। और मैं इस समय रतलाम जिले के मांगरोल गांव में उपस्थित हूँ, जहाँ हमारे किसान भाई ने हमारा उत्पाद ताबोली का स्प्रे अपने सोयाबीन की फसल में किया था। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस अवस्था में वो उस दवाई का इन्होंने प्रयोग किया, और जब इसके बारे में इन्होंने सुना और इसको लेकर आए तो उस समय उनकी फसल में क्या स्थिति थी, और किस उद्देश्य से अपनी फसल पे उन्होंने ताबोली का स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा मिला, आइए उनकी जवानी हम उसके बारे में जानते हैं। तो राहुल भाई, ताबोली के बारे में आपको कहाँ से पता चला? ताबोली के बारे में हम तो कल्पतरु का है, कल्पतरु एग्रोकेमिकल से आपको पता चला जो रतलाम में है। तो आपने ताबोली किस पर्पज़ से अपनी फसल में स्प्रे किया, मतलब आप क्यों इसको लेकर आए, क्या उस समय क्या स्थिति थी? इसमें हाइट बढ़ रही थी, फसल की हाइट बढ़ रही थी। हाँ, और इसमें पत्ते भी कम थे, फूलों में पत्ते भी कम थे, हाइट बढ़ रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं जो फूल बन के आ रहा था वो भी कम आ रहा था। वो खाना कहीं ना कहीं हाइट में ऊपर चला जा रहा था। तो ताबोली का स्प्रे करने के बाद इसी खेत में आपने स्प्रे करा? हाँ, इसी में था। तो स्प्रे करने के बाद क्या फ़ायदा मिला? स्प्रे करने के बाद हाइट भी कम हो गई इसकी, और गरा हो गया पौधा। अच्छा, और इसने फली भी अच्छी ली, मतलब फूल बहुत अच्छे बने थे। हाँ, फूल बहुत अच्छे। और हम जानते हैं कि अगर अच्छे फूल बनेंगे तो उन फूलों से जो फिर आपका माल बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में माल बनता हुआ आ रहा है? हाँ, माल बनता हुआ आ रहा है, खरीब अच्छी खासी ले रही है। आपकी हाइट भी रुकी, हाइट से फूल भी अच्छा बना, और जो फूल बना वो सभी फली में भी कन्वर्ट हुआ है, यानी कि माल अच्छा बनता हुआ आ रहा है। हाँ, माल भी अच्छा बन रहा है। तो ऐसा माल पहले कभी देखा आपने खेत में? ऐसा आपके खेत में पहले कभी भी नहीं, आपको देखने को नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि लगभग हर एक उनके, अगर मैं पौधे की बात करूं तो बहुत अच्छा माल बनता हुआ आ रहा है, लगभग सभी फली में दाना भर रहा है, कोई भी ऐसी फली नहीं है जिसमें कोई दाना ना हो या पिचका हो, लगभग सभी में इनके दाना भरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाइट भी इसने व्यवस्थित करके रखी हुई है। ये कितने बीघे में स्प्रे करा था? ये 7 बीघे 7 बीघे में स्प्रे करा था। इसका परिणाम देखकर आप वापस कुछ और खेतों में इसका स्प्रे के लिए लाए? अभी फिर लाए हम 14 बीघा में। अच्छा, 14 बीघा में देखिए ये फिर लेकर आए। तो ये खासियत है हमारे इस उत्पाद की, हम जैसा बात करते हैं ताबोली को लेकर वैसा ही कहीं ना कहीं खेत में भी इसका जो परिणाम है वो देखने को मिलता है, और वो परिणाम का ही ये अगर हम बात करें कि असर है कि वापस से 14 बीघा के लिए आज फिर राहुल भाई लेकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहुल भाई को इस ताबोली के इस्तेमाल से फ़ायदा मिला। उनकी जुबानी उनने कहा कि ऐसा माल हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो ताबोली से ये फ़ायदे राहुल भाई को अपने खेत में मिले हैं। तो मैं आशा करता हूँ और किसान भाइयों को आपके से जो संबंधित जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें आप कहना चाहेंगे कि वाकई में अच्छे फूल और फल के निर्माण के लिए ताबोली का उन्हें प्रयोग करना चाहिए? ये इसीलिए लाए थे हम कि फ़ायदा तो हुआ ही हमको जी, और अभी भी लाए हैं वही फ़ायदा करेंगे, वही फ़ायदा के लिए। और जो भी किसान भाई छाटना चाहे इसको एक बार स्प्रे करके देखे तो मालूम पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आपने देखा, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अपने अनुभव राहुल भाई ने हमारे साथ शेयर करे हैं, आगे जितने भी किसान भाई हैं जो अपनी मौजूदा फसलों में इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं या करना चाह रहे हैं, तो वो समय पे इसका इस्तेमाल करें। बेहतर फूल और फल ताबोली के द्वारा आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप सबसे एक बार मैं पुनः नए वीडियो के साथ जुड़ूंगा, नए किसान के साथ, नए गाँव से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।